अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ हमेशा की तरह। और अभी जो है ना टाइम हो रहा है 3:20। भाई जो है ना वो बाहर गए हुए केक लेने के लिए। आज भाभी की बर्थडे भी है और भाभी के घर वाले भी आ रहे हैं, मतलब मैके वाले उनके। ठीक है, तो आज की जो है ना रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आज बहुत सारे काम भी हैं, इफ्तारी भी बनानी है, खाना भी बनाना है। सो वो रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और न्यू व्यूवर्स जो हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलते रहें और ऐसे ही मुझे देखते रहे बगैर फेस के। ठीक है, और आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ठीक है, और आज की मैं रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आज मेरी फेवरेट चीज़ बनने वाली है, वो है बिरयानी। बिरयानी जिस दिन बन जाए ना, उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती, बहुत ज़्यादा। तो मेरी फेवरेट डिश है ना बिरयानी है। और कोई भी मेहमान आ जाए तो बिरयानी जो है ना जिम्मेदारी वो मुझ पे ही है कि तुमने ही बिरयानी बनानी है। तो आज बिरयानी भी बनाऊँगी, वो भी सिंधी बिरयानी, तो चटपटी स्पाइसी। ठीक है, तो आप लोग साथ रहिएगा। बस आज काम करते करते ना मुझे 2 बार चोट लग गई। एक दफ़ा मेरा हाथ जल गया और दूसरी बार जग टूटा जिसकी से मेरे पाँव पे चोट लग गई। ये ले। हाँ। गिलास है ना ये वाला। बस यहाँ पे हम इफ्तारी कर चुके थे और अभी जो है मैंने बिरयानी का मसाला बना के रख दिया था। बस जो है राइस बॉईल करूँगी, वो डालूँगी। और अलग से जो है मैंने यहाँ पे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर कट करके रख दिया था। राइस डालने से पहले जो है ना मैं ये सारा मसाला डालूँगी। और दही भी जो है मैंने इसके अंदर जर्दे का रंग, ठीक है, और दालचीनी का पाउडर ये डाल के मिक्स करके रख दिया था। ठीक है, और लास्ट में मैं दही डाल दूँगी। और इसके अलावा हमने डालना है प्याज, वो भी मैंने पहले से ब्राउन करके रख दिए थे। ठीक है, ये देखिए प्याज भी डाल दिया और ऊपर जो है ना मैं धनिया पुदीना डाल रही हूँ। ये डालने के बाद हम इसके ऊपर राइस डाल देंगे और फिर हम इसे दम रख देंगे 15 से 20 मिनट। ठीक है, वहाँ पे मैंने दम पे लगा दिया था। और उससे पहले हमने सोचा केक कट कर लेते हैं, केक कट करने के बाद ना हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पे जो है भाभी की बर्थडे थी तो हमने केक मंगवा लिया था, भाई लेकर आ गए थे। और अभी केक कट करेंगे और आप लोग भी साथ साथ जो है कमेंट करके विश करना है। ठीक है, मैं सबके आज जो है कमेंट पढ़ूँगी। और यहाँ पे जो है हमने लाइट ऑफ कर दी थी ताकि व्यू जो है वो ज्यादा अच्छा है। तो अब जो है ना अभी बारी आ गई बिरयानी खाने की। और यहाँ पे तो मेरा दिल ही लचका रहा है देख देख के,
खैर तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी थी, और वैसे भी ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ बहुत शेयर की है, और व्लॉग को मैं एंड करूँगी यहीं पे। और अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।